someone very special, and it's actually an honor to have him over here. Can we please have the loudest cheers for Acharya Dr. Lokesh Muni, founder president, Ahimsa Vishwa Bharati? Can we please have him on stage, please? Sir, can we please have you on stage? Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for him, please. Thank you so much, sir, for taking time out of your schedule to join us. You would want a hand mic or this mic? Okay, cool. Stage is all yours, sir. Thank you. Living with purpose. उद्देश्यपूर्ण जीवन सर्वप्रथम इस आध्यात्मिक कॉन्क्लेव के आयोजक बिजनेस वर्ल्ड को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा। माया नगरी मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की चकाचौंध में एक आध्यात्मिक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है और उस कॉन्क्लेव में हम लिविंग विद पर्पज की चर्चा कर रहे हैं। सभी धर्मों ग्रंथों में दर्शनों में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया, देव दुर्लभ बताया गया। हमारा जन्म खादान से निकलने वाले पत्थर के समान, जन्म एक नियति है, किंतु कैसा जीवन जीना ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। और इसलिए मानव जीवन, मनुष्य जिसको सक्षम नर्वस सिस्टम मिला है, विकसित मस्तिष्क मिला है, और उस सक्षम नर्वस सिस्टम और विकसित मस्तिष्क की बदौलत वो उत्तराखंड में फंसे 41 मजदूरों को चट्टान को तोड़ करके उन्हें सकुशल वापस ला रहा है। और केवल इतना ही नहीं, इस मस्तिष्क की बदौलत एक सेकंड में करोड़ों अरबों खरबों बार की गणना कर सके ऐसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी इस मानव मस्तिष्क ने किया। तो ऐसे के अंदर जब इस धरती का सर्वश्रेष्ठ माना गया मानव जीवन को वो केवल तेल लून और लकड़ी के चक्कर में उसे जाया न करे, लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन। मैंने अनेक बार साक्षात्कार में जब मुझे पूछा जाता है कि आप सन्यासी क्यों बने, हालांकि आज का विषय में भी शब्द का इसी का प्रयोग हुआ है, मैंने अनेक अपने इंटरव्यू में कहा लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए, सार्थक जीवन के लिए मैंने संन्यास का रास्ता स्वीकार किया। 22 वर्ष की अवस्था में, आज से 40 वर्ष पूर्व, इस मानव जीवन को कैसे सदुपयोग किया जाए, विषय पर चर्चा करनी है मुझे, आंतरिक शांति पर, नैतिकता पर, नैतिक मूल्यों पर, अध्यात्म पर। बंधुओं और बहनों, सबसे पहले हमें
भारतीय संस्कृति में जिस संतुलन की बात की गई, और इस सत्र में भी संतुलन हो रहा है। अभी आप अंग्रेजी भाषा माध्यम के साथ थे और अब हिंदी के साथ है, संतुलन जरूरी है। जब हिंदुस्तान की धरती पे कार्यक्रम हो और ये संतुलन की बात आज नहीं, शताब्दियों सहस्राब्दियों पूर्व भी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने संतुलन के लिए, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, उन्होंने जहां एक और सन्यासी के लिए 5 महाव्रत का विधान किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वे जानते थे कि सभी सन्यासी नहीं हो सकते, किंतु स्वस्थ समाज की संरचना के लिए उन्होंने बाहर अणुव्रत का भी विधान किया। एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ व्यक्ति न्यूनतम आचार संहिता का पालन करे कि जिससे हमारा समाज स्वस्थ बना रहे। आप चाहे जैन आगम पढ़ लीजिए, हमारे उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आज समाज में जितनी भी विकृतियां दिखाई दे रही है उसका कारण है, जब हम संतुलन को बुलाते हैं, धर्म और मोक्ष को छोड़ करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ शुरू होती है, वहीं से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा, धर्म का, और खास करके अगर मैं कहूं कि जैन धर्म में अधिकृत रूप से जब बिजनेस वर्ल्ड की ओर से ये कॉन्क्लेव है, बिजनेसमैन सामने है, मैं कहना चाहूंगा कि धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं रहा, और आज नहीं 2600 वर्ष पूर्व भी जैन आगमों में एक बिजनेसमैन का वर्णन आता है जिसे आनंद श्रावक उस बिजनेसमैन का नाम। आज की दुनिया के सफल जितने बिजनेसमैनों के नाम लिए गए पूर्व वक्ता के द्वारा भी इस मंच पर, उससे भी कई गुना अधिक अथाह संपदा उस युग में। पर अंतर कहां था? व्यक्तिगत भोग और उपभोग के लिए सीमाकरण का विधान किया था। आनंद श्रावक की संपदा अथाह थी, किंतु व्यक्तिगत भोग और उपभोग के लिए कुछ वस्त्र, कुछ पात्र, एक सीमित संसाधन। डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, अपनी प्रतिभा का मैक्सिमम उपयोग करें, किंतु उस प्रतिभा का मैक्सिमम उपयोग करते हुए संतुलन को न भुलाएं कि हमारा समाज स्वस्थ कैसे रह सकता। अगर शरीर में एक जगह ब्लड जमा हो जाए, शरीर अस्वस्थ बन जाता है, उसी तरह से हमारी दुनिया में धन भी अगर एक जगह जमा होता है तो हम देखते हैं एक तरफ बहुमंजिली इमारतें, अटालिकाएं हैं, और दूसरी तरफ 2 जून की रोटी के लिए आदमी तरसता। और इस संतुलन को धर्म से भी जोड़ा, महावीर ने जोड़ा। सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का धर्म के क्षेत्र में। किंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, महावीर ने कहा असंविभागी नहुतस्य मोक्षो। तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जिसके भीतर संविभाग की चेतना नहीं है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। सरल शब्दों में कहूं, तुम्हारा भाई अगर भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, महावीर कहते हैं तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि उन्होंने आए तुले पयासु का सिद्धांत दिया, अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को स्वीकार करना। मैं समझता हूं यहीं से अध्यात्म का शुभारंभ होता है।
हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें।